मैया, जब भी मैं यमुना से पानी भरने जाती हूँ, ये काना मोरी मटकी फोड़ देते हैं, मोरे पूरे वस्त्र भीग जाते हैं, वो घर जाना पड़ता है परत, और तो और घर वालों की डांट खानी पड़त है। काय काना, का कह रही है जी? मैया, यदि एक ही मटके का उपयोग ज्यादा समय तक किया जाए तो फिर कुमार सूरति काका से मटका कौन लेगो? ये बात मुहे समझ ना आवे। और मैया, जब मैं माखन बिलो तो काना पतो नाने कितने से आ जाते और अपने सारे ग्वालन दोस्तों ने ले आते और मोरा पूरा माखन चट कर जाते। काय काना, एक ही बात का कचोत्तर है तो के पास? मैया, मैं तो केवल माखन देखता हूँ, ये गुंजा माखन कैसे बिलोते? और मैया, ये का माखन ना बहुत ही खराब हो गए थे, ये के माखन की कोई बुराई ना करे इसलिए हम ग्वालन संगे सारा माखन खा जाते हैं। हम तो ई को लोगों के क्रोध से बचा रहे हैं और ये देखो हमरी निधा की जाते हैं। और मैया, जब हम यमुना में स्नान करने जाते हैं, ये कृष्ण हमारे पूरे कपड़े लेके पेड़ पर चढ़ जाते हैं और हमसे बहुत विनती कराते हैं। काय का ना, लज्जा ना आवे तो है। हाँ, मारो मुझे, मारो। मैया, कहीं तो मैं झूठी गोपियों की बातों में तो नहीं आ रही ना? मैया, हम कपड़े छुपाते हैं लेकिन कुछ कारणों से। पहला, जल में बिना वस्त्र के जाने से वरुण देवता रुष्ट हो गए थे। दूसरा, सुन लो, इनके कपड़े कोई वानर लेकर न चले जाए इसलिए। मैया, मोहे तुम्हारा संसार नहीं भारत है। मैया, एक तो इनके अच्छा करो और ऊपर से इनकी बातें सुनो। मैया, मोरे हाथ खोल देना। मैया मैया, हाथ खोल देना, पिरा रहा हो ये। ओ, कहीं मेरे काना पे तुम झूठे लांसन तो नहीं लगा रही? चलो खोलो हाथ उनके।